वेलकम बैक दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2 और चैप्टर का नाम है बहुपद। देखिए बहुपद क्या होता है, जिसमें एक से अधिक पद हो, ठीक है, उन्हें बहुपद कहते हैं। अगर बहुपद का फॉर्मेट, पॉलीनोमियल का अगर फॉर्मेट देखा जाए तो वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्मेट में कोई पद है और एक से ज़्यादा पद है, ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे, बहुपद। एक से ज़्यादा पद यानी कि एक पद, दो पद, त्रिपद, इसमें तीन पद है, तो ये क्या हो गया, बहुपद के अंदर में काउंट होता है। और द्विघात समीकरण जिसमें दो स्क्वायर हो, जिसमें स्क्वायर हो, वो होता है द्विघात समीकरण, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, जैसे कि मान लिया जाए कोई क्वेश्चन है 3x² प्लस एक्स प्लस 4, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है जो फर्स्ट डिजिट है पहला पद का और अंतिम पद जो भी डिजिट है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 12। तो ऐसा संख्या सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर भी बीच वाला संख्या आना चाहिए, ठीक है, बीच में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे समझना है कि एक ऐसी संख्या सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर बीच वाला संख्या यानी कि 1 आना चाहिए। तो क्या होगा, 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 माइनस करेंगे तो 1 और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। बस इसमें अब सॉल्व कर लेनी है, 3x² प्लस 1 के जगह पर लिखना है 4 माइनस 3x प्लस 4। इस प्रकार से हम लोग बहुपद को सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ हो जाएगा 3x² प्लस 4 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 4x। नेक्स्ट माइनस 3 को x से गुना करेंगे, देखिए प्लस माइनस 3 और x इन तीनों को गुना करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा और 3 और x को गुना करेंगे तो 3x हुआ प्लस 4। बस इसमें और इसमें क्या करना, कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेंगे क्या, x कॉमन लेते हैं तो 3x प्लस 4 बचता है, और इन दोनों में अगर माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो 3x प्लस 4 बचता है। बस एक में 3x प्लस 4 हो जाएगा, एक में x माइनस 4, ठीक है, ठीक है, क्या है, एक में हो जाएगा 3x माइनस 4 और एक में हो जाएगा x माइनस 4। तो ये यहाँ पर लिखते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 हो जाएगा, सॉरी, और दूसरा इसका पद हो जाएगा x माइनस 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार से और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लिया जाए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि x² माइनस 2x प्लस 8, ठीक है, इसका मतलब ये है कि 8 1 जा, कुछ आगे नहीं है तो 1 है, 8 1 जा 8, ऐसा दो संख्या सोचना है जिसका मल्टीप्लीकेशन 8 के बराबर हो, ठीक है, और प्लस या माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस या माइनस करने पर, तो क्या होगा, 4 2 4 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और 4 में 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। बस यहाँ पे अरेंजमेंट कर देना है, माइनस आगे रह जाएगा, 4 माइनस 2 लिखना है x प्लस 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 4 और x को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे माइनस 4x, माइनस माइनस मिलके प्लस, 2 और x को गुणा करेंगे 2x हो जाएगा प्लस 8। अब इन दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना है, देखिए इन दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो करीब हो जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4 बचेगा, इन दोनों में प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा। याद, लेकिन यहाँ पर तो प्लस है, यहाँ माइनस कैसे लिखें, तो एक्चुअल में क्या होता है कि प्लस को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, प्लस को दो फॉर्मेट में हम लोग तोड़ सकते हैं, या फिर माइनस माइनस, ठीक है, और या फिर प्लस प्लस, इस प्रकार से। और दूसरा बात है, अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो क्या करना, आगे वाला अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख देना, एकदम सिंपल सा, ठीक है। अब इन दोनों को एक जगह लिखना है एक्स माइनस 4, और इनको एक जगह लिख देना है एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद अगर शून्यांक निकालना है तो बस आगे इक्वल टू 0 लिख देना है, मतलब इन दोनों में, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस 4 इक्वल टू 0, और इधर भी हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और इधर x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 2।
चलिए इस प्रकार से हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित या द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, पहले शून्यांक भी ज्ञात करना है और उनके जो संबंध है उन्हें भी हमें सॉल्व करना है, सत्यता भी जांच भी करना है एक्चुअल में। ठीक है, कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल इस प्रकार से। तो सबसे पहले तो शून्यांक निकालना है। देखिए बीच में क्या है, टू है, बस वही क्वेश्चन जो अभी जस्ट डिस्कस किए थे। क्या हो जाएगा इसका, फोर टू, अभी जस्ट इसको बनाएं, माइनस फोर माइनस टू लिखेंगे, एक्स माइनस एट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस फोर और एक्स को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे माइनस फोर एक्स, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा टू एक्स, इधर माइनस एट। इन दोनों में से अब क्या करना है, कॉमन ले लेना है। यहाँ पर अगर देख लेते हैं, कॉमन अगर आएगा x, तो x माइनस फोर हो जाएगा। फिर इसमें क्या है कि प्लस अगर कॉमन लेते हैं, प्लस टू कॉमन लेते हैं, तो x माइनस फोर आएगा। देखिए माइनस प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना, x माइनस फोर, एक्स माइनस फोर एक तरफ लिख देंगे और x प्लस टू मिला के एक तरफ लिख देंगे, बराबर जीरो अगर करना है तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस फोर बराबर जीरो, इधर जाएगा x प्लस टू बराबर जीरो। तो x का वैल्यू यहाँ पे 4 आया, इधर x का वैल्यू क्या आया, माइनस टू। अब जांच करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः जांच के लिए सबसे पहले शून्यांकों का योग, देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या लिखना है, शून्यांकों का योग। क्या होता है शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा यानी कि इसको अल्फा मानेंगे इसको बीटा मानेंगे, तो क्या हो गया 4 प्लस माइनस टू बराबर होता है माइनस बी बटे ए, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी 4 में 2 गया 2, 2 बटे 1 लिख देंगे, माइनस बी बटे ए। फिर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यांकों ये जांच करने के लिए, ठीक है, का गुणनफल, तो वो होता है क्या, अल्फा बीटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू माइनस टू, इसका वैल्यू होता है सी बटे ए। तो अगर हम बात कर लेते हैं सी बटे ए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट बटे वन हो जाएगा इक्वल टू सी बटे ए। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या निकला, a का वैल्यू 1 है, दोनों तरफ 1 है, b का वैल्यू माइनस बी का वैल्यू 2 है, तो b का वैल्यू माइनस टू हो जाएगा और c का वैल्यू माइनस एट है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आगे a इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ क्या लिखते हैं, इसको इसको मिटाना है, ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिएगा स्क्रीनशॉट मार के। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, अतः करके a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू माइनस टू आया और c का वैल्यू माइनस एट आया, तो लिखना है द्विघात समीकरण बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो द्विघात समीकरण में बस a का वैल्यू यहाँ रखना, a का वैल्यू 1 है तो x स्क्वायर ही रहेगा, b का वैल्यू माइनस टू है तो यहाँ पे माइनस टू एक्स, और c का वैल्यू माइनस एट है तो यहाँ माइनस एट। तो या क्या ये कोसेन कोसेन के साथ मिल रहा है, तो कोसेन के साथ मिल रहा है, तो बस यहाँ पे क्या कर देना, प्रूफ लिख देना, मतलब कि हमारा जाँच जो है वो सफल हुआ, ठीक है, सत्यापित हुआ, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना सत्यापित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जस्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन है। ये रहा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें आपको ढूंढना है 4 वन जा 4,
यानी कि ऐसा संख्या जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पर बीच वाला संख्या यानी कि इसमें भी 4 आना चाहिए। तो क्या होगा, इसमें होना चाहिए आपका 2 और 2, 2 और 2 को जो गुना करेंगे तो भी 4 आएगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा। इसका मतलब 2 और 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 4s² माइनस 4 के जगह पर 2+2 लिखते हैं, फिर यहाँ पे s+1, ये s है, ठीक है, 45 नहीं है। 4s² माइनस 2s माइनस प्लस माइनस 2s+1। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं, यहाँ भी इन दोनों में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या लेते हैं कॉमन, 2s कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर बचेगा 2s और यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1। इन दोनों में से अगर दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो -1 को लेते हैं कॉमन। देखिए प्लस को दो भागों में तोड़ देंगे, माइनस गुणा माइनस मिल के प्लस, एक माइनस यहाँ आ गया और एक माइनस अंदर रखेंगे, ठीक है, 2s-1। अब इन दोनों को एक बॉक्स में 2s-1 और इनको और इनको एक बॉक्स में 2s-1। अगर बराबर 0 सब में करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2s-1=0 और यहाँ भी 2s-1=0। तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2, और यहाँ भी s का वैल्यू 1/2। कैसे, -1 उधर जाएगा +1 और ये 2s मल्टीप्लीकेशन में है, नीचे आएगा भागा में। तो जो शून्यांक निकला मेरा अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू 1/2 आया। अब क्या करना है, जांच करना है, ठीक है, इनको नोट डाउन कीजिए। देखिए जांच करने के लिए सबसे पहले हमें वही दो रूल अप्लाई करना है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखना है, अतः जांच के लिए तो पहला हो जाएगा शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो वो क्या है 1/2 + 1/2, इसका वैल्यू होता है -b/a। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, यानी -b/a, और 2/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, -b/a। देखिए इसका भिन्न का जोड़ किए तो 2/2 आया। फिर लिखना है शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू, इन दोनों को गुणा करना है 1/2 × 1/2, और वो होता है c/a, यानी कि 1/4 = c/a। बस ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ पर a का वैल्यू 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। तो क्या करना है, 4 करने के लिए ऊपर नीचे 4/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कुल मिला के माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा 4/4 और नीचे भी 4 हो जाएगा। तो a का मान कितना निकला, अतः करके लिख सकते हैं a का वैल्यू 4, b का वैल्यू, b माइनस में इधर जाएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, -4, और c का वैल्यू क्या निकला, 1 निकला। तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 1 निकला, ठीक है। तो जस्ट हम लोग क्या करने वाले आगे, इसको द्विघात समीकरण में पुट करके देखेंगे कि क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है, तब जांच होगा। तो देखिए अतः करके लिखेंगे यहाँ पे द्विघात समीकरण, बराबर क्या होता है, ax² + bx + c। तो a के जगह पर क्या लिखना है, 4, तो 4x² हो जाएगा, b के जगह पर -4 और c के जगह पर 1। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन और प्रूफ भी आ गया क्वेश्चन, तो अतः लिखो सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ। चलिए यहां आपका ये कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है 6x² - 3 और -7x।
तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में नहीं है। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बी एक्स सबसे लास्ट में है, तो पहले तो अरेंजमेंट करेंगे इसको, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री, ये फॉर्मेट में आ गया। अब छः या अठारह, मतलब कि ऐसा संख्या सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए और प्लस और माइनस करने पर बीच वाला संख्या यानी कि 7 आ जाए, तो क्या होगा, 9 और 2 आना चाहिए, 9 दूनी 18 और 9 में 2 को घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 7। तो आप जस्ट लिखने वाले हैं सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह पर लिखेंगे 9 माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस मिल के प्लस 2x माइनस 3। देखिए 6x और 9x में कॉमन क्या मिलेगा, 3x कॉमन निकालते हैं। अगर 3x कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ बचेगा आपका 3, इन दोनों में कुछ तो मिल नहीं रहा है तो 1 लिखते हैं, 2x माइनस 3। इन दोनों को एक बॉक्स में लिखते हैं और इन दोनों को दूसरे बॉक्स में, कुल मिला के देखा जाए बराबर 0 अगर करते हैं तो 3x प्लस 1 बराबर 0 लिखते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आया, माइनस 1 बटे 3, और यहाँ पर भी आपका x का वैल्यू कितना आया, 3/2। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल गया, अब आप लोग का काम है इसको सत्यापित करना है और सत्यापित करके फिर द्विघात समीकरण में लिख करके बताना है कि ये क्वेश्चन आ रहा कि नहीं, ठीक है, ये आप लोग का काम है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 4u² प्लस 8u, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा आता ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें द्विघात समीकरण जैसा नहीं है लेकिन ये लॉजिक लगेगा। देखिए इन दोनों में से हम क्या करने वाले हैं, हमें तो शून्यांक से मतलब है ना, तो सबसे पहले तो हम 4u को कॉमन निकाल देंगे इन दोनों में से, तो 4u को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर u बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, बराबर 0 कर देते हैं तो 4u बराबर 0 हो जाएगा और ये आपका u प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे u का वैल्यू 0 आ गया और यहाँ पे u का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 2, ठीक है, तो अल्फा 0 बीटा माइनस 2। अब यहाँ पे लिखना आता है जांच के लिए और शून्यांकों का योग और शून्यांकों के गुणनफल से आगे आपको जांच करके बताना है कि वो फॉर्मेट में आ रहा कि नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग को अगला क्वेश्चन बनाना है, देखिए अगला क्वेश्चन है 3x², ठीक है, माइनस एक्स और माइनस 4, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्लियर है। इसको क्या करना है, अगर हम इसको बनाने के लिए देखेंगे तो 4 3 12 और बीच में है 1, मतलब ऐसा संख्या जिसको मल्टीप्लीकेशन में 12 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, 3x² माइनस ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 एक्स और माइनस 4, ठीक है, बस हो गया। इसको बनाना है 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 कॉमन लेकर के आगे कंप्लीट करना है, ये आप लोगों का काम रहा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए अब अगला क्वेश्चन ये रहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। एक शून्यांकों का योग दिया हुआ है, दूसरा शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है और इसकी मदद से द्विघात समीकरण निकाल अपोजिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या करते थे, पहले शून्यांक निकालना था और फिर उसको क्वेश्चन बनाना था, मतलब जांच करने के लिए। अब यहाँ पे शून्यांक बना के दे दिया आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन बना देना है, ठीक है, समीकरण बना देना है। तो यहाँ पे लिखना है क्या, तो दिया है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बटे
ए होता है। और फिर यहां लिखना है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा, और वो कितना दिया है माइनस वन दिया है, तो माइनस वन बटे वन लिख सकते हैं इक्वल टू सी बटे ए। तो देखिए ध्यान रहे, ए का वैल्यू यहाँ पे फोर है लेकिन यहाँ पे ए का वैल्यू वन है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं फोर बटे फोर, तब हो जाएगा आपका माइनस फोर बटे फोर इक्वल टू सी बटे ए। अतः करके ए का मान कितना निकला फोर, बी का मान कितना निकला माइनस वन माइनस वन, और सी का मान कितना निकला माइनस फोर। तो बहुपद बराबर क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें क्या हो जाएगा ए के जगह पर फोर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फोर एक्स स्क्वायर, बी के जगह पर माइनस वन, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर बी के जगह पर माइनस वन है, तो माइनस यहाँ पर वन वन तो लिखाता नहीं है, माइनस एक्स ओनली होगा, और सी के जगह पर माइनस फोर। देखिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन से आपका ये द्विघात समीकरण निकल गया, ठीक है फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर। चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू का सेकेंड नंबर, देखिए ये रहा आपका सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको उसी प्रकार से लिखना है, अतः करके शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अंडर रूट टू इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस बी बटे ए, और फिर आपका है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा, और ये आपका रहा वन बटे थ्री इक्वल टू क्या होता है सी बटे ए। देखिए यहाँ ए का वैल्यू तो थ्री है लेकिन यहाँ पर ए का वैल्यू वन लिखेंगे, तो इनको वन को थ्री करने के लिए क्या करना है, ऊपर नीचे से थ्री से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा वैल्यू थ्री रूट टू बटे थ्री, ठीक है यहाँ हो जाएगा थ्री रूट टू बटे थ्री। तो ए का वैल्यू कितना निकला, अतः करके लिखना है ए का वैल्यू कितना निकला थ्री, बी का वैल्यू कितना निकला, बी का वैल्यू आपका है माइनस थ्री रूट टू माइनस थ्री रूट टू, सी का वैल्यू वन, अतः द्विघात बहुपद या समीकरण भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला है, ए के जगह पर थ्री तो थ्री एक्स स्क्वायर लिखना है, बी के जगह पर माइनस है तो एक्चुअल में इसको माइनस कर देना है माइनस थ्री रूट टू एक्स, सी के जगह पर वन, ये रहा इक्वेशन। चलिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आप लोग को बनाना, ठीक है अगला क्वेश्चन आप लोग का है जीरो और रूट फाइव। तो जीरो के लिए आपका हो जाएगा, देखिए सबसे पहले अगर शून्यांकों का योग आप लोग लिखिएगा तो जीरो बटे वन कर देना है माइनस बी बटे ए, और शून्यांकों का गुणनफल अगर लिखिएगा रूट फाइव बटे वन कर देना है सी बटे ए। इस हिसाब से ए का वैल्यू कितना निकलेगा वन, बी का वैल्यू कितना निकलेगा माइनस जीरो यानी कि जीरो ही होता है, और सी का वैल्यू कितना होगा रूट फाइव। इक्वेशन क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वैल्यू में पुट करना है तो आएगा आपका एक्स स्क्वायर, बी तो पूरा जीरो हो जाएगा और सी का वैल्यू अंडर रूट फाइव, दैट इज द आंसर। क्लियर है, इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है लिख करके बनाना है, इसे शॉर्ट फॉर्म में जैसे बनाए वैसे नहीं लिखना है, आप लोग को टोटल क्लियरली लिखना है जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन और टू में बनाए थे। चलिए उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद इसका क्वेश्चन नंबर फोर है वन वन, ये भी बन जाना चाहिए, ये आप लोग का एच डब्ल्यू रहा, और फाइव ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है फाइव हमेशा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, ठीक है तो इसको भी सेम लिखना है
माना कि या फिर दिया है शून्यंकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस वन बटे फोर, माइनस वन बटे फोर इक्वल टू माइनस बी बटे ए, और यहाँ पर लिखना है शून्यंकों का गुणनफल इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू ये हो गया आपका वन बटे वन यानी कि सी बटे ए। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अतः ए का वैल्यू फोर है, बी का वैल्यू देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा यानी वन है, और सी के जगह पर भी वन है, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए के जगह पर फोर है तो फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी के जगह पर वन है तो ओनली एक्स, सी के जगह पर वन। ये रहा आपका द्विघात समीकरण। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट आप लोग को कंप्लीट करनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर ओ वन ये भी बन जाना चाहिए। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।